गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2 एज कम्पेयर टू साइंस 1 इज शॉर्ट. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक. देर आर 7 टॉपिक्स एंड सम फ्यू सब टॉपिक्स ऑल्सो. तो फर्स्ट वन ले लेते हैं, दैट इज हेरिडिटी. एज यू नो वेरी वेल कि हेरिडिटी मीन्स क्या है, एक प्रोसेस. इट्स अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. मतलब जैसे कि हमारे जो फिजिकल और मेंटल फीचर्स हैं वो हमारे चिल्ड्रंस में आगे ट्रांसफ़र होंगे. ओके, फिर आगे वो उनको कितना डेवलप करते हैं, उन तक कितना पहुंचते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ट्रांसफ़र होते हैं. तो उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं. अब ये होता कैसे है, तो उसको क्योंकि साइंस से बहुत डीप स्टडी करेंगे, तो फिर लोग ने डीप देखा, तो उसने देखा कि 3 स्टेप दिखे उनको, वो भी प्रोसेस ही एक टाइप के, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है फर्स्ट वन, जिसमें कि क्या होता है, जस्ट DNA जो हमारा है और हमारे बच्चे का है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है डेटा जो है. ओके, जो भी फिजिकल डेटा कि इसका ब्रेन ऐसे वैसे बना था. ओके, पूरे कैलकुलेशन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पूरा डेटा होता है. अब वो डेटा कितना नंबर्स में रहता है, कितना कैसे कैसे है, बट है, देयर इज़ अ लैंग्वेज, वो अंदर चलता है. उसको अभी डीप कर रहे हैं स्टडी. तो ट्रांसक्रिप्शन में वो होता है कि वो डेटा कॉपी हो जाता है. आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉपी हो जाता है, लेकिन वो कोडेड लैंग्वेज में होता है. अब वो सेम DNA रहेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको डिकोड भी कर लेगा. तो दूसरा DNA होगा तो नहीं मैच होगा, इसीलिए एनिमल का बच्चा जो एनिमल के ऊपर ही, वैसे एनिमल का कुछ डिफरेंट स्पीसीज का आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हो. कि डॉग का कैट के साथ कुछ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉट इज़ नॉट पॉसिबल. वो चिल्ड्रंस नहीं बनेंगे क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिकोड नहीं हो पाती है. ये होता है प्रॉब्लम. सेम स्पीसीज के तो हो जाएंगे. तो यहाँ पर डिकोड हो जाता है. तो फर्स्ट में हो गया कॉपी पेस्ट, सेकंड में हो गया वो जो इन्फॉर्मेशन आई, जो मैसेंजर RNA के थ्रू आती है इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रांसलेट करना, मतलब वही सिंपल में कन्वर्ट कर देना, तो डिकोड हो जाता है. यहाँ पर सेम DNA है इसलिए डिकोड हो पाता है. और फिर उसको ट्रांसलोकेशन, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो डिकोड कर ली, अब समझ में आने लगी, तो वो फिर ट्रांसफ़र कर दी जाती फिजिकल की फिजिकल फीचर्स के लिए और मेंटल की मेंटल फीचर्स के लिए. इसका IQ लेवल इतना होगा, और भी बीच में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ना आए तो फिर एकदम अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर भी काफ़ी हद तक तो ट्रांसफ़र होता ही है ही वो होता ही होता है. तो ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रेन की तरह है कि हर जगह सही सही कि ब्रेन ऐसा बनेगा, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन के स्ट्रक्चर में जहां से वो रेडी होने वाला है वहां पहुंचा दी जाती है, उस पार्ट में पहुंचा दी जाती है. और फिर ब्रेन का वैसा डेवलपमेंट, बॉडी का तो बॉडी का स्ट्रक्चर, हैंड का तो हैंड में वैसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाती है, और एक वैसा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है जो भी इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल होगा. इसलिए कुछ पेरेंट्स मदर पे जाते हैं, कुछ फादर पे जाते हैं, कुछ मिक्स क्वालिटी होती है. ये भी आगे आपको और डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप की ये कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल और मेंटल, वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, 3 प्रोसेस से होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मतलब यही है, स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन, हमारा ब्रेन, मतलब पूरी होल बॉडी, फिजिकल मेंटल, वो सब में डेवलप होती है. ओके, ट्रांसफ़र नहीं बताना है यहाँ पर, बताना है हमें कि डेवलप होती है कैसे. ट्रांसफ़र तो हो गई, वो हेरिडिटी हो गई, लेकिन डेवलप जो हुआ वो पूरा प्रोसेस जो है वो एवोल्यूशन है. पहले एवोल्यूशन पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद हमको हेरिडिटी समझ में आती है. यहाँ ऊपर नीचे दिए है, इट्स ओके. तो एवोल्यूशन भी एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी की, लेकिन इसमें ये बहुत ही लॉन्ग करोड्स ऑफ ईयर की हिस्ट्री होती है इसमें, कि कैसे हम एक प्रोटोजोया, एक सिंगल सेल वाले से, यूनिसेलुलर से आगे चलकर हम मल्टी सेलुलर बन गए. ओके, उनमें एक ही सेल होता है हमारे अंदर. देखो, आइस का अलग सेल, फिर हमारे जो ईयर हैं, हर एक मतलब डिफरेंट सेल्स हैं ऑर्गन के, हर एक के आप एक पर्टिकुलर सेल से बने हुए हैं वो सब, जिसकी वजह से हम लोग को मल्टी सेलुलर बोलते हैं. तो एवोल्यूशन मतलब कि ग्रोथ कैसे हुई, तो इसमें पूरा दिया था मीनिंग कि कैसे हम लोग डायरेक्ट सेल भी नहीं आया, सेल से भी पहले बोलते हैं कुछ केमिकल्स आते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होते हैं, फिर उसके बाद कुछ मिक्स्ड बनते हैं जिसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे कुछ केमिकल्स, फिर जाके सेल बना यूनिसेलुलर, उसका ग्रोथ होता गया धीरे धीरे, उसमें चेंजेस आते गए. तो जो चेंजेस की स्टडी है वही है एवोल्यूशन. तो नेक्स्ट, अभी एविडेंस क्या है, क्योंकि इतना करोड़्स ऑफ हिस्ट्री की है, भी किसी ने देखा तो है नहीं उतना पीछे जाके, और साइंस का है कि प्रूफ बताओ. तो प्रूफ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसी बॉडी में ध्यान से देखो, जो आज प्रेजेंट है उसी को ध्यान से स्टडी करो. तो जब लोगों ने स्टडी किया तो दे गॉट 6 इविडेंस, 6 इविडेंस इनको बहुत ध्यान से मिले यहाँ पर. सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल इविडेंस, मतलब इसमें क्या होता है, आइज ऑल, इसमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं डॉग का, शीप का, है ना, फॉक्स का, कि उनके देखो आइस का लोकेशन, उनके ईयर का लोकेशन एकदम परफेक्ट मैच होता है ना, थोड़े बड़े छोटे हैं लेकिन लोकेशन जो है वो परफेक्ट मैच होता है.
तो वहाँ से पता चलता है कि ये किसी एक ही एंस्टर से आए हैं और एक डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में होने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिटेट होने की वजह से चेंजेस आ गए उनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर में, और एनवायरनमेंट पे भी बहुत एज यू नो कि कैसे इफेक्ट पड़ता है। ज़ेब्रा और हॉर्स भी काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं, लेकिन उनका देखो ऊपर का, उसके ऊपर ज़ेब्रा लाइंस आ जाती है, हॉर्स के ऊपर नहीं आती है। तो डिपेंड टेम्परेचर वगैरह सब कैसे बॉडी एडजस्ट करती है, क्योंकि सबका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने का बहुत अलग अलग है। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब लोकेशन, आइज वगैरह ये सब की पार्ट्स की, वो एकदम मैच कर सकते हो। फिर प्लांट का भी एग्जांपल दिया था उन्होंने कि जो उसके लीव्स होते हैं, फ्रूट्स को भी देख सकते हो काफ़ी हद तक मैच होते हैं ना, मैंगो कितनी सारी वैरायटी है, लेकिन आए तो कोई एक ही पहले कोई स्वीट फ्रूट था मैंगो की तरह, और फिर वो आगे चल के इतना डेवलप हो गया, कोई मैंगो बड़ा कोई छोटा है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लंगड़ा आम है, ऐसा आम है, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज देयर आर ऑफ अ मैंगो। तो ऐसे और भी बहुत सारे, तो उसमें लीव्स का भी बताया कि लीव्स का स्ट्रक्चर भी देखो काफ़ी हद तक मैच होता है, उसके अंदर जो लाइंस होती हैं वो भी काफ़ी हद तक मैच होती है, फिर ब्रांच के साथ जो लीव को कनेक्ट करता है छोटा सा पार्ट रहता है वो भी काफ़ी, वो हर एक में ही है, तो बोलते हैं ये सबसे शो होता है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। फिर आ जाते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स क्या है, ये एविडेंस क्या है। तो ये एविडेंस एनाटॉमिकल मींस क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात की गई है, कि अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें हमारा ह्यूमन बींग का हैंड बताया और एक कैट का हैंड बताया था एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, तो हमारे में भी दो बोन है और फिर उसको ज्वाइंट है बीच में और फिर आगे हैंड है, तो कैट का भी ऐसे ही है, हैंड थोड़ा सा अलग ही उसका, लेकिन स्ट्रक्चर बोन का देखें तो वैसा ही है। फिर उन लोगों ने एक और एग्जाम्पल दिया था, उसमें कुछ फिश का एग्जाम्पल था और बैट का एग्जांपल था, है ना, वेल का और बैट का एग्जांपल था, उनके जो विंग्स थे तो वो भी काफ़ी हद तक मैच होते, बस उसका साइज़ बड़ा है उसका साइज़ छोटा था, है ना, एकदम एग्जैक्टली 100% मैच नहीं होगी क्योंकि एवोल्यूशन है, स्लो स्लो चेंजेस आते हैं, लेकिन अब फिर भी उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखती है जो ये शो करता है कि धीरे धीरे यही चेंज होकर आगे ऐसे बन गए, कन्वर्ट हो गया। तो ये एनाटॉमिकल होती है, मतलब बोन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ स्टडी की जाती। फिर पैलेंटोलॉजिकल, ये थोड़ा भारी है, इसमें काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है डीप, क्योंकि इसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि एज आपने हिस्ट्री भी अगर किया होगा अच्छे से, हिस्ट्री नहीं सॉरी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में बताए जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है अर्थ की, और हर एक लेयर जो एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करती है, तो जो अगर आज से 10,000 साल पहले होंगे तो उनके जो फॉसिल्स हैं, जो बचे हुए हिस्से हैं, वो वहाँ पर मिलेंगे आपको, बचे हुए भी नहीं, बचते भी नहीं हैं, बहुत कम बचते हैं, लेकिन उनका जो एक स्टैंप की तरह छप जाता है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी, वो है। लेकिन यहाँ पर एक और मेथड भी दिया है, ओके, कुछ कुछ छूट भी जाता है मुझसे कभी, 1% है एटलीस्ट, वो तुम्हें रीड किया करो अच्छे से, क्योंकि मगर मैं पूरा बुक रीड करने बैठा तो 2-3 घंटे इसी में निकल जाएंगे, इसलिए मैं रीड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पैलेनोटोलॉजिकल में यही है कि उसमें एक कार्बन डेटिंग मेथड भी दिया, देखो कार्बन कैसा होता है, आप कोई एनिमल समझो मर गया है तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी जो डिकम्पोज होने लगती है, तो एक प्रोसेस होता है उसमें C14 C12 करके, तो कार्बन बच जाता है चाहे कितने साल भी हो गए हो, तो वो कार्बन हल्का हल्का काला काला होता है, तो सड़ गया है, गल गया रहता है, डिकम्पोज हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो सॉइल के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा रह गया होता है, जैसे कि फॉसिल्स बताया ना, फॉसिल्स में एक निशान रह गया होता है, निशान के साथ ही वो भी हल्का हल्का बच गया होता है, तो उसको चेक करके भी पता कर सकते हो कि पहले कार्बन ये कितने दिन में डिकम्पोज हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो एक ड्यूरेशन पता चल जाती है। आपको पता होगा जैसे कि हमारा टीथ देख के हमारी एज बताई जा सकती है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, हेयर, ये सब देख के भी वो लोग एज बता सकते हैं, तो ऐसे ही वो कार्बन को देख के भी एज, क्योंकि वो डिकम्पोज हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है डिकम्पोज होने में, कि इतने साल में इतना डिकम्पोज हो जाता है वो, तो एक प्रोसेस है C14 C12 करके, रेशियो धीरे धीरे कम होते चलता है, तो काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है लैब में, CID देखो पता चलेगा हल्का सा उनको एक राख का कपड़ा भी मिल जाता है, तो उससे भी वो पूरा पता लगा लेते हैं कि किस चीज़ का था, कैसे जला, ये वो सब, कि कितना टाइम हुआ है ना, टाइम बता लेते हैं वो लोग, तो वही है ये पैलेंटोलॉजिकल, ओके, थोड़ा टफ रहता है, काफ़ी डीप करना पड़ता है, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो गया। नेक्स्ट वन वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सिंपल है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ये मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन, अगर हमारी बॉडी को हम स्टडी करें तो ऐसे ऑर्गन है हमारे में जो अभी उनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में, इसका मतलब पता चलता है कि पहले वो यूज़ होते थे, और एज यू नो कि एवोल्यूशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, तो अभी वो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे ईयर बग का, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया था, ईयर के अंदर एक पार्ट रहता है, उसके अभी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे ईयर में है, है ना, अभी रिसेंटली उन्होंने स्टडी किया था, जब तभी उनको पता चला कि उसमें उसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे ही जो विजडम टीथ है, इतना अंदर जाके हम नहीं चबाते, हम आगे आगे चबाते हैं, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं चबाते, सीधा निगल ही लेते हैं, ओके, तो नहीं चबाते थे ये सब लोग, कोई कुछ लोग नहीं। तो फिर
तो वेस्टिजियल ऑर्गन में फिर और क्या एग्जांपल दिए थे इन लोगों ने, हाँ अपेंडिक्स का भी दिया था, फिर वो मंकी का टेल जहाँ पर है होता है वहीं वही पोर्शन हमारे यहाँ पर अभी भी हल्का सा बोन है, वो टेल बोन बोलते हैं, वो भी है कि जहाँ से वो टेल हुआ करती थी। तो बोलता है अभी तो हमारा कोई यूज़ नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वहाँ वो जो मंकी के उसमें जो जहाँ से वो जॉइंट होती है उनका पार्ट्स देखा और हमारा देखा तो अरे तो सेम ही है, बस उनको वहाँ पर आगे ये लगी हुई है टेल, हमको नहीं है। तो यहाँ से बोलते पता चल जाता है कि ओके ये है हमारे पूर्वज भाई, एंस्टर्स ये हैं, इनसे आए हैं हम। तो ये वेस्टियल ऑर्गन है, मतलब कि यूज़लेस ऑर्गन, अब इनका कोई यूज़ नहीं है। अपेंडिक्स का मैंने बताया, वो तब कच्चा वगैरह खाते थे हम लोग, पकाते नहीं थे, तो उसकी वजह से कुछ बैक्टीरियाज आ जाते थे हार्मफुल, तो उसको मैनेज करने के लिए रहता था उसका यूज़, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी वो है हमारी बॉडी में। तो ये शो करता है कि एवोल्यूशन हुआ है, हम किसी और से आए हैं और जिस इसको ये ऑर्गन है। नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर और अंदर की सिस्टम के बारे में भी, रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, एक कीड़े जैसा एग्जांपल बनाया था वॉर्म्स का, फिर एक और था से दो तीन सांप के जैसा था एक, कोई तो फिश थी, उनका स्ट्रक्चर मतलब देखो अगर आप, तो तीनों का स्ट्रक्चर जो था बोलता वो स्ट्रक्चर, माउथ एकदम आगे, फिर पीछे पूंछ भी है, बीच का पोर्शन है, फिर उनके अंदर से बाहर का ही नहीं उनके अंदर का भी स्ट्रक्चर कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उनका, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो सर्कुलेट करता है, वो सिस्टम भी सेम है काफ़ी हद तक सेम। तो वो भी पता चल जाता है कि ओके ये भी किसी एक ही वैरायटी के हैं और यही आगे आगे ग्रोथ हुए हैं, क्योंकि देखो लाइफ वाटर से बाहर ही आई है, सब शो होता है अच्छे से, और डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो कनेक्टिंग लिंक में था, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल था, ये तो सबसे सॉलिड एग्जांपल है, सबसे बेस्ट जो लगा वो यही है। इसमें आपने देखा होगा, यू हैव सीन थ्री स्टेजेस दे हैव मेंशन, उसमें से फर्स्ट फिर वो फिश का, फिर सैलमेंडर, फिर टॉर्टाइस का भी बनाया था, फिर पिक का था, काऊ का था, रैबिट का था, फिर ह्यूमन बीइंग का था। तो उनका जो फर्स्ट स्टेज था अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक मैच था, मतलब 80-90% वो मैच करते हैं फर्स्ट वन, फिर धीरे धीरे आगे आगे वो चेंज हो गए। पिक और काऊ का तो लगभग बहुत सिमिलर रहा है हमसे, तो रैबिट का भी बहुत हद तक सिमिलर, टॉर्टाइस का भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, सिर्फ आइज उसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो काफ़ी हद तक मैच होते हैं इनके एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेज होती है, कि ये अभी तक बड़ा नहीं बना होता है, बच्चा छोटा रहता है। तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में काफ़ी हद तक मैच हो रहा है, थर्ड में भी काफ़ी हद तक मैच हो रहे कुछ। तो यहाँ से भी शो होता है कि वही यही प्रोसेस हुआ है, यही ग्रोथ हुई है आगे अलग अलग इन्वायरमेंट में आने की वजह से। सो नेक्स्ट में आ जाते हैं, द नेक्स्ट वन इज़ डार्विन थियरी, बहुत ही फेमस है ये, बिफोर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू हैव हर्ड डार्विन थियरी, बहुत फेमस सेंटेंस है इनका कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, इसलिए एवरीवन ट्राई टू बी फिट। लेकिन यहाँ पर बहुत जन मिस कर देते हैं, वो यहाँ पर ये भी दिया है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये तो है ही। तो डार्विन ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उसमें सिर्फ इतना ही नहीं था कि दे हैवंट मेंशन ओनली कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, वो तो उनकी एक लाइन है फेमस है, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें बताई अपने कॉन्सेप्ट में, ही हैज क्लियर टू पॉइंट्स। पहला तो ये कि भाई जो ये जो फिट बोलते हैं एक्चुअली होता कैसे है, ये एवोल्यूशन होता कैसे है, कि जो जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हो ह्यूमन बीइंग है, वो कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से, और वो जब लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज तक आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कि ये बचेंगे नहीं तो मर जाएंगे, ऐसी स्टेज पे जब आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, तो जो बेटर है वो, जो ज़्यादा फिट है वो बच जाता है, और दूसरे को वो दूसरा जो है वो, मैंने एग्जांपल भी दिया था कुछ फूड का कि दोनों फाइट कर रहे हैं, एक ने ज़्यादा पावर लगा के दूसरे को डैमेज कर दिया, तो फूड खा लिया वो जिंदा रह जाएगा, दूसरा ऐसे ही मर जाएगा, नहीं एकदम लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज तक पहुंच गए हैं ऐसा सर्वाइवल के लिए। तो ये था, लेकिन सेकंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि भी नेचर भी डिसाइड करती है कि कौन सा फिट रहेगा, नेचर का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको बोलते हैं इसमें ना सबसे बेस्ट यही है, मतलब नेचर कैसे डिसाइड करेगी, नेचर सिर्फ उसी को सपोर्ट करती है जो नेचर के लिए सुटेबल है, और प्लस जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। देखो हार्ड वर्किंग रहेगा वो इजीली कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, उसको किसी भी एनवायरनमेंट में चलेगा, जैसे अभी जो आप देखोगे लेबर वगैरह भी बाहर जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग को बहुत, क्योंकि हम लोग फिजिकली वीक हो चुके हैं ज़्यादातर, और मेंटली तो वीक ही है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है, उन लेबर्स को इतना कुछ मालूम ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, कि कैसे होता है, इतना ज़्यादा डीप नहीं मालूम, पर हमें मालूम है डीप, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के हम फिजिकली और मेंटली और वीक ही हो जाते हैं, अगर ध्यान ना दें, ध्यान दे तो फिट भी हो सकते हैं। तो ये था कि नेचर भी सेलेक्ट करती है, तो याद रखो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी, जिसमें एग्जांपल मैंने डायनासोरस का भी दिया था कि वो तो फिट थे, सबको डिस्ट्रॉय कर ले रहे थे, लेकिन नेचर को लगा कि नहीं ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो एस्ट्रॉयड ऊपर से गिरा एंड डिस्ट्रॉय देम। ऐसा होता है, एक एब्रप्ट चेंजेस था, लेकिन फिर भी टाइम लगा था, बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसके बाद, लेकिन जो फिनिश जो हुए तो बहुत क्विकली हो गए वो लोग।
तो डार्विन की थ्योरी में यही था, दोनों पॉइंट उन्होंने मेंशन किए थे। और फिर उसके बाद लामार्किज्म करके उनकी भी एक थ्योरी थी। तो लामार्किज्म ने यहाँ पर क्या बताया था कि उनका मेन कॉन्सेप्ट फोकस किस चीज़ पे था कि एक्टिविटीज़, जैसी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा हम एक्टिविटीज़ करते हैं वैसा ही हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब यूज़ और ऐसा डिसयूज़ उन्होंने बताया था कि जिस ऑर्गन का आप यूज़ करो उसका ग्रोथ होता चलेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास होएगा। जिसका आप जिस ऑर्गन का यूज़ ही नहीं करोगे तो नहीं होगा। एग्जांपल उन्होंने डक वगैरह का भी दिया था, डक का ही मैं उसका एग्जांपल, ऑस्ट्रिच का ले लेते हैं, हेन का ले लेते हैं कि वो उड़ नहीं पाते, विंग्स है लेकिन उड़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उसका ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने खाने पर ज़्यादा ध्यान दिया तो ऐसा इफेक्ट आ गया। तो ये उनके एग्जाम्पल थे। उनकी थ्योरी रिजेक्ट भी कर दी गई थी, एक तो उनका एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है हाँ जो यूज़ करते हैं ऐसा होता है कि वो ऑर्गन अच्छे से डेवलप होता है, नहीं तो नहीं होता है, ये तो राइट है। लेकिन दूसरी जो थ्योरी थी उनकी कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाते हैं जो हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं, तो वो उनका रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कई बार देखा गया कि नहीं इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। अब पता नहीं किस बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर बोला है, बुक में इतना ज़्यादा दिया नहीं, ट्रांसफ़र तो होते हैं, मैंने जैसा बताया उन्होंने स्लो प्रोसेस बता रहे थे तो इट्स ओके। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे एग्जांपल्स देखे होंगे और सारे की फिज़िकल फीचर इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हुए। ओके, फिर नेक्स्ट था ह्यूमन एवोल्यूशन। ये आपने देखा ये मंकी से इंसान बनने में हम लोग को 7 करोड़ ऑफ इयर्स लग गए, लेकिन वो यही हुआ कि हमने कॉप अप किया एनवायरनमेंट में, यानी मंकीज़ ने, तो आगे आगे ग्रोथ होती गई और फिर वो काफ़ी स्प्रेड हो गए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आज हम ऐसे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई ज़्यादा हट्टा कट्टा है, कोई कम है, कोई पतला है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे निग्रो वगैरह तो बहुत वेल बिल्ड होते हैं वो लोग, तो सबकी डाइट अपनी, अपना एनवायरनमेंट अलग, तो उस चीज़ की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्योंकि जैसी क्लाइमेट होगी हमें वैसा खाना पड़ता है, वो सूट करता है हमारे लिए, तो इसलिए इतने डिफरेंसेस आ गए। तो इसमें से एक पॉइंट रह गया मेरे ख्याल से, हाँ स्पेसाइजेशन करके था एक, इसमें स्पीसीज के बारे में बताया था, स्पीसीएशन, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कहाँ से आई। ओके, मैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, जब मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ लास्ट में ले लेते हैं स्पीसीएशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में ये बताया ऐसे ऐसे करके ग्रोथ हुआ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन फिर इन्होंने, ओके उसमें आप पूरा रीड कर सकते हो, काफ़ी बड़ा दिया था ह्यूमन एवोल्यूशन को डायग्राम बना के, उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे थे, वही सब बताया है कि कैसे पहले डायरेक्ट ह्यूमन नहीं बने, जो उससे पहले जो थे मैन उनको एप्स बोला जाता था, मूवीज़ भी बनी है इसके ऊपर जो हनुमान जी की तरह लिखते थे ऐसे। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डेवलपमेंट का मेन रीज़न बताया था कि हम जो इरेक्ट जो पोजिशन है हमारी बोन की, स्पाइनल स्पाइन बोन की, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, जितना पोस्चर हमारा परफेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, ये एक मेन रीज़न रहा उसके पीछे। ओके, हम रिसर्च तो कर ही रहे थे, दिमाग चला रहे थे इंसान, लेकिन चला कैसे इतना ज़्यादा दिमाग, क्योंकि उनका पोस्चर धीरे धीरे सीधा होता गया है। आप देख सकते हो सारे एनिमल्स को, अगर ह्यूमन ग्रोथ को पूरा देखोगे आप कैसे कैसे हम आए हैं, तो धीरे धीरे आप देखो पानी से ज़मीन पे आ गए, ज़मीन पे आने के बाद हम लोग चार पाँव पे आए, एनिमल्स बने, तो उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेट होते गए हम लोग। ध्यान से देखोगे आप स्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेट अभी एकदम स्ट्रेट हो गए, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में काफ़ी हेल्प करता है। और फिर ये नियंदरथल मैन के बारे में भी दिया था कि ये वाइजेस्ट मैन था, मतलब 10,000 से 10,000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली उन्होंने मेंशन किया है, बिफोर 10,000 ईयर्स एगो द ह्यूमन हैव स्टार्टेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यू नो वेरी वेल कि एग्रीकल्चर आफ्टर एग्रीकल्चर दिस अवर डेवलपमेंट हैज़ टेकन टू मच ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ उसके बाद, हम लोग काफ़ी चेंज हो गए, काफ़ी सिविलाइज्ड हो गए, आज इतना कुछ टेक्नोलॉजी सब बना लेते हैं, तो एग्रीकल्चर के बाद बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप एक जगह पे बैठ के आपका बंदोबस्त हो गया ना खाने पीने का, पहले नहीं होता था, भटकते रहते थे यहाँ से, वॉन्डरिंग मैन बोलते थे, लेकिन जब खेती बाड़ी करने लगे तो एक जगह पे आपके खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, जिसकी वजह से फिर बहुत आगे प्रोग्रेस हुआ। ओके, ये एकदम परफेक्ट रीज़न है कि आपको एक खाने की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, आपका ब्रेन अभी सेटिस्फाइड, नो वरी अबाउट फूड, तो फिर आप आगे स्टडी कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। कैसे नियंदरथल मैन का प्रोग्रेस हुआ आगे, तो आज से 5-10 का एग्जांपल है, 5,000 साल पहले आप देखोगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, मतलब पूरी कंट्री अच्छे से वो लोग ने पूरा एक सिटी डेवलप की थी, है ना, हड़प्पा मोहनजोदारो, मूवीज़ भी बनी है इनके ऊपर, तो वो शो करता है कि ह्यूमन कितना डेवलप हो चुके थे, ऐसे घर बनाते थे डबल ट्रिपल माला जो रहता था।
जैसे घर बना लिया करते थे, तो आज से 5000 साल पहले, तो वो इतना ग्रोथ हम लोग ने कब किया रहेगा, तो अराउंड और आगे 10000 साल पहले। यही है स्पेशाइजेशन, मतलब इसमें क्या दिया था एक स्पीसीज के बारे में कि इतनी सारी वैरायटी क्यों है, है ना। हम भी देखते हैं इतनी सारी वैरायटी जैसे एनिमल्स की, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि आए तो कॉमन एंसेस्टर से हैं, लेकिन फिर उसमें भी कुछ वैरायटीज बनी, तो वो किस क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से वो सब हुआ। डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए, उनकी अलग क्लाइमेट, क्लाइमेट का अपना इफेक्ट होता है ना। यू कैन सी कि अमेरिका है ठंडा है, तो वहाँ पर गोरे ज़्यादा मिलेंगे आपको, इसलिए गोरे काले का फाइट करते रहते हैं वो लोग। तो ऐसे ही फिर इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर जो चेन्नई साइड, केरला साइड है, थोड़े सांवले हैं वो लोग, थोड़े हैं ज़्यादा है देख लो, वैसा एनवायरनमेंट है वहाँ पर, ज़्यादा हीट होती है, तो अलग क्लाइमेट, अलग फूड हैबिट्स, और फिर हम कैसे उसमें कॉप अप कर रहे हैं, उसकी वजह से इतनी सारी वैरायटीज आई। तो ऐसे ही नेचर के अंदर भी इतनी सारी वैरायटीज आई। ओके, आई क्लियर हो गया होगा, डाउट लगता है तो पूछो। टिल देन बाय बाय, कुछ और भेजता हूँ फिर।